एवरी वन वेरी गुड इवनिंग तो इस वीडियो में हम करने क्या वाले हैं हम आई आर एम एस का कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी ऑप्शनल का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं तो आप सबको पता ही होगा कि जो आई आर एम एस का कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी का सिलेबस है दैट इज एग्जैक्टली सेम टू वट इज यूपीएससी सी एस सी सिलेबस ऑफ कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी तो उसी की वेबसाइट से मैंने ड्रॉ कर लिया है ताकि आपको एक बेसिक हाईलाइट दे पाऊं और आप इस वीडियो के जरिए ये भी आइडेंटिफाई कर पाओगे कि जो पूरा सिलेबस है

कि कौन से सब्जेक्ट का क्या मार्क्स का वेटेज है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज इस वीडियो को देख लीजिएगा उस वीडियो का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ठीक है टाइम नहीं वेस्ट करते हैं जल्दी आगे चलते हैं और सिलेबस को डिस्कस करते हैं जो पहला सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम बात करेंगे दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग ठीक है मैंने आपको पहले भी बताया था इसका पचास से सत्तर मार्क्स का वेटेज है अप्रॉक्सिमेटली सिलेबस क्या है क्या क्या टॉपिक्स हैं क्या क्या टॉपिक्स रिलेवेंट हैं उसको देख लेते हैं काउंटिंग एज अ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन सिस्टम ठीक है इंपैक्ट ऑफ बिहेवरल साइंस ठीक है कि बेहेवियर का क्या इंपैक्ट होता है जब आप अकाउंटिंग करते हो उस एंगल से क्वेश्चन पूछा जा सकता है काफी तो सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तो प्लीज टॉपिक तो को ठीक से देख लीजिएगा ठीक है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के टॉपिक के अंदर क्या क्या अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन इनवेंट्रीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू रिकॉग्निशन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फिक्स्ड एसेट कंटिजेंसी फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस इन्वेस्टमेंट एंड गॉर्मेंट ग्रांट्स कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड अर्निंग यहां तक का जो सिलेबस है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है प्लीज अननेसेसरी पूरे के पूरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को पढ़ने में टाइम वेस्ट मत करिएगा ठीक है बिकॉज पूरा का पूरा जो सिलेबस है दैट इज नॉट रेलिवेंट जो स्पेसिफिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आपको वही कवर करने चाहिए यू शुड नॉट बी वेस्टिंग योर टाइम ऑन योर अकाउंट इंटायर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टॉपिक ठीक है आगे बढ़ते हैं और क्या क्या रेलिवेंट टॉपिक है अकाउंटिंग वो शेयर कैपिटल ट्रांजेक्शन इंक्लूडिंग बोनस शेयर एंड राइट शेयर तो जो बेसिक अकाउंटिंग वो शेयर कैपिटल के क्वेश्चन होते हैं जिसके अंदर क्वेश्चन uh, होते हैं फॉर फ्यूचर के जिसके अंदर बेसिक शेयर कैपिटल की अकाउंटिंग एंट्री होती है एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट मनी फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे कवर किए जाएंगे ठीक है इंप्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान बाई बैक ऑफ सिक्योरिटी प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ कंपनी फाइनल अकाउंट तो जहां पे आपको हो सकता है ट्रायल बैलेंस दे दिया हो आपको बैलेंस शीट बनानी हो प्रॉफिट एंड लॉस बनाना हो उस पर एक फुल फ्लजेड क्वेश्चन आता ही आता है ठीक है द लास्ट वन इज अमलगमेशन एब्जॉर्प्शन एंड दिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज जहां पे अमल गमेशन का ठीक है एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आप उम्मीद कर सकते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से आ सकता है अमल गमेशन से आ सकता है या फिर एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन के टॉपिक से आ सकता है तो ये आपका एक ब्रॉड सिलेबस है फॉर द सब्जेक्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सब्जेक्ट के अंदर यह आपका ब्रॉड सिलेबस है जो आपको ध्यान रखना है ठीक है आगे देखते हैं सेकेंड सब्जेक्ट पे मूव करते हैं विच इज द सब्जेक्ट ऑफ कॉस्टिंग या फिर कॉस्ट अकाउंटिंग आपको मैंने बताया था यहाँ पे भी जो वेटेज है अप्रोक्सीमेटली सिक्सटी टू मार्क्स का होगा क्या क्या टॉपिक्स हैं नेचर एंड फंक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग वेरी इजी टॉपिक इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम कॉस्ट कंसेप्ट रिलेटेड टू इनकम मेजरमेंट प्रॉफिट प्लानिंग कॉस्ट कंट्रोल डिसीजन मेकिंग सो मोर और लेस ये जो इंटायर टॉपिक है फर्स्ट पार्ट है दिस इज मेजरली थ्योरी इन नेचर थ्योरी टॉपिक है मेजरली तो ये मैं आपको क्यों बताना चाह रहा हूं बिकॉज पास्ट ईयर ट्रेंड में ये देखा गया है कि जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट अकाउंटिंग एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है इस सब्जेक्ट में से थ्योरी रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं और प्रैक्टिकल रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं तो आपको दोनों टॉपिक्स को अच्छे से कवर करना है ठीक है मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग अब यहां से आपका प्रैक्टिकल शुरू हो जाता है जॉब कॉस्टिंग प्रोसेस कॉस्टिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग वॉल्यूम कॉस्ट प्रॉफिट रिलेशन एज अ टूल ऑफ प्रॉफिट प्लानिंग इंक्रीमेंटल एनालिसिस जो बेसिकली मार्जिनल कॉस्टिंग का टॉपिक है जहां पर आप डिसीजन लेते हो कि आपको प्रोडक्ट को कंटिन्यूस करना है मैनुफैक्चर करना है या फिर शट डाउन कर देना है थिंग्स आर गोइंग टू बी कवर्ड है ठीक है टेक्निक्स ऑफ कॉस्ट कंट्रोल कॉस्ट रिडक्शन ठीक है बजटिंग एज अ टूल ऑफ प्लानिंग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वेरियंस एनालिसिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मतलब आप ये मान के चलिए कि इस पटला सेक्शन के अंदर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से न्यूमेरिकल आने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं ठीक है तो प्लीज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के टॉपिक को अच्छे से कवर अप कर लीजिएगा लास्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट जहां पर बेसिकली आप कपलन के मेथड्स पढ़ते हैं ठीक है कि उसने कौन कौन से फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल मेजर्स दिए थे ठीक है तो ये थ्योरी पोर्शन है बट इट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है आगे चलते हैं लेट्स मूव फॉरवर्ड थर्ड सब्जेक्ट पे चलते हैं विच इज सब्जेक्ट ऑफ टैक्सेशन तो टैक्सेशन का सब्जेक्ट है इसके सिलेबस को भी देख लेते हैं कई बार स्टूडेंट जिससे डरते हैं बट तो आपको डरना नहीं है सब्जेक्ट से ठीक है बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स जहां पे बेसिकली डेफिनेशन आ जाएंगी बेसिस ऑफ चार्ज आ जाएगा इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम विच इज बेसिकली योर यगजेप्टेड इनकम जो कि सेक्शन टेन के अंदर कवर होती है सिंपल प्रॉब्लम्स देखिए बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है इसलिए सिलेबस पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है बिकॉज यू डोंट वॉन्ट टू कवर एनीथिंग एंड एवरीथिंग

सैलरी हाउस प्रॉपर्टी पीजीबीपी ठीक है कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस तो ये पांच स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं पांच हेड्स हैं बेसिकली पूरा ही कवर कर लिया गया है जहां से आपसे सवाल आप से पूछे जा सकते हैं ठीक है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस छोटा सा टॉपिक है डिडक्शन जो भी इंपॉर्टेंट डिडक्शन है एट्टी सी हो गया एट्टी डी हो गया एटी क्यू क्यू बी हो गया एटी ई हो गया एट्टी जी जी हो गया ये सारे डिडक्शन आपको कवर कर लेने उनके अमाउंट्स कौन एलिजिबल है डिडक्शन लेने के लिए और कितने साल के लिए आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं ठीक है लेक्ट मूव टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट विच इज दब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग ठीक है ऑडिटिंग तो तो के बारे में बात करते हैं ठीक है अब ऑडिटिंग के अंदर क्या है ऑडिटिंग के अंदर जो पहला एलिमेंट है विच इज गवर्मेंट स्ट्राइव टू है वर्क फोर्स बैलेंस एंड वोमन कैंडिडेट्स टू अपलाई नोटिफिकेशन का पार्ट है ऑडिटिंग का बेसिक सिलेबस देखते हैं क्या है ऑडिट कंपनी ऑडिट के अंदर क्या होगा ऑडिट रिलेटेड टू डिजल प्रॉफिट डिविडेंट स्पेशलेशन टैक्स ऑडिट ऑडिट ऑफ बैंकिंग इंश्योरेंस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेजेशन चैरिटेबल सोसाइटी ट्रस्ट एंड ऑर्गनाइशन बहुत ही छोटा सा टॉपिक है बहुत ही नीच या फिर स्पेसिफिक टॉपिक है तो इसको समझने से पहले बेसिक आपको ऑडिट की अंडरस्टैंडिंग लेनी होगी और फिर देखना पड़ेगा कि जो अलग अलग डायमेंशन में है फॉर एग्जाम्पल बैंक ऑडिट हो गया इंश्योरेंस कंपनीज का ऑडिट हो गया नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट हो गया ये टॉपिक्स स्पेसिफिकली क्योंकि लिखे हुए हैं तो इनके केस में क्या होता होगा कि जो ऑडिटिंग होती होगी या ऑडिटिंग का प्रोसीजर होता होगा वो स्लाइटली डिफरेंट होता होगा फॉर एग्जांपल अगर मैं बैंक्स के बारे में बात करूं तो वहां पे लोन्स एंड डिपॉजिट्स का स्पेशल सेक्शन होगा जहां पे ऑडिट बैठाया जाता होगा ठीक है सिमिलरली एनपीओ के अंदर डोनेशन का स्पेसिफिक सेक्शन होगा जिसमें आपको ऑडिटिंग रिलेटेड एस्पेक्ट्स कवर करने होंगे तो वो आपको ध्यान रखना है एंड दैट इज द फोर्थ सब्जेक्ट दैट इज ऑडिटिंग मार्क्स मैंने आपको बता दिया था ऑडिटिंग के अंदर अप्रोक्सिमेटली तीस मार्क्स का आपका वेटेज है बट सिलेबस आप देख ही रहे हैं कि बहुत कम है तो आप बहुत टाइमली इसको कवर कर सकते हैं ठीक है आगे चलते हैं लेट्स मूव फॉरवर्ड नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं विच इज सब्जेक्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट और मैं आपको डराना नहीं चाहता हूं बट आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि इसका जो सिलेबस है वो थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव है थोड़ा सा ब्रॉड है तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको स्मार्ट प्ले करना पड़ेगा पहला जो तो टॉपिक है वो स्पेसिफिकली थ्योरी से शुरू होता है फाइनेंस फंक्शन नेचर एंड स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिस्क एंड रिटर्न रिलेशनशिप ठीक है तो ये बेसिक स्टार्टिंग के अंदर कुछ थ्योरी रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस जिसमें रेशियो एनालिसिस हो गया फंड फ्लो एनालिसिस हो गया कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया ये कुछ टॉपिक्स हैं जिससे एक फुल फ्लेजेड न्यूमेरिकल आने की उम्मीद है अगर कैश फ्लो आता है तो फंड फ्लो नहीं आता है रेशियो आता है तो भी कैश फ्लो नहीं आता है मतलब मेजरली इन तीन टॉपिक में से एक आते हैं बट कौन सा आएगा यह हमें नहीं पता है तो आपको तीनों कवर करके जाने हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं कोर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के टॉपिक्स पे विच इज अ कैपिटल बजटिंग डिसीजन ठीक है जिसके अंदर जितने भी मेथर्ड हैं वेदर इट इज एन एनपीवी मेथड वेदर इट इज एन आई आर मेथड वेदर इट इज एन एम आई मेथड इन सारे मेथड्स को बिल्कुल बारीकी से इनकी कैलकुलेशंस, इनके फॉर्मुलाज इनके पीछे की जो थ्योरी है उनको अच्छे से आपको कवर कर लेना है ठीक है आगे चलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंप्यूटेशन ऑफ स्पेसिफिक कॉस्ट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैपम मॉडल विच इज नथिंग बट कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल जो बेसिकली वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी में काम आता है उस टॉपिक के भी न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छे से देख लीजिएगा ठीक है नेक्स्ट टॉपिक इज योर थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर जिसके अंदर नेट इनकम अप्रोच हो गया नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच हो गया एमएम MM अप्रोच हो गया ट्रेडिशनल अप्रोच हो गया ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस हो गया मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर की जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरीज है ना वो आपको कवर कर लेनी है और मैं आपको एक और बात बताऊं यहाँ पे कई बार वो क्या करते हैं न्यूमेरिकल के साथ साथ भी पूछ लेते हैं ओके व्हाट आर द द प्लीज डिफाइन तो आपको आपको भी भी बहुत अच्छे से लेके चलना है साइमल्टेनियसली कवर करते रहना है ये आपको ध्यान रखना है ठीक है आगे चलते हैं लेट्स मूव फॉरवर्ड और कौन सा टॉपिक है डिविडेंट डिसीजन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ठीक है डिविडेंट के कौन कौन से मॉडल है एम एम अप्रोच हो गया गॉर्डन मॉडल हो गया वॉल्टर मॉडल हो गया

ठीक है तो ये बेसिकली आपके पांच सब्जेक्ट हो गए आगे बढ़ते हैं लेट्स आपको बताया था इसका बहुत ज्यादा वेटेज भी नहीं है अप्रोक्सीमेटली पचास मार्क्स का आता है ये ठीक है पचास मार्क्स का इसका वेटेज है ठीक है और जो सिलेबस है इसका ये भी बहुत ज्यादा नहीं है तो अगर मैं पेपर वन के बारे में बात करूं तो ऑडिटिंग और फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशन ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको बहुत कम टाइम में कवर किया जा सकता है अगर आप बेसिक्स समझते हैं अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इन दोनों सब्जेक्ट की शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं तो हो सकता है थो थोड़ा टाइम टाइम लगे अदरवाइज ज्यादा नहीं लगने वाला है ठीक है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम एक ओवरव्यू लेना पड़ेगा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हो गए पार्टिसिपेंट्स हो गए स्ट्रक्चर हो गया कमर्शियल बैंक्स हो गए ठीक है बैंकिंग सेक्टर क्या होता है मॉनिटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी क्या होती है फिस्कल पॉलिसी क्या होती है ये सब पूछा जा सकता है आगे बढ़ते हैं सेकंड सेक्शन के अंदर कैपिटल मार्केट प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट क्या है फाइनेंशियल मार्केट इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं जिसमें काफी बार आपसे एडीआर जी डी आर एफ आई आई बी हो गया देन यू हैव अ लॉट ऑफ अदर काइंड ऑफ बॉन्ड्स एंड इक्विटी शेयर मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसको अच्छे से डिटेल में पढ़ लीजिएगा ठीक है रिलेवेंट व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स वन एंड सो फॉर सेबी एज अ रेगुलेटर सेबी का क्या फंक्शन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विसेज म्यूचुअल फंड हो गया वेंचर कैपिटल हो गया क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हो गया इंश्योरेंस एंड आई आर डी आर हो गया तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन हैं जिनके इंपॉर्टेंट फंक्शन जिनके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव या उनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है फॉर एक्साम्पल मुझे क्वेश्चन एक याद आ रहा है जहां पे पूछा हुआ था कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का प्रोसीजर बनाना बताना था कि वो केट रेट किस तरीके से करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स को ठीक है तो इन इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है सो यू हैव टू बी वेल प्रपेयर ठीक है तो ये हमारा ब्रॉड सिलेबस हो गया पेपर वन का फॉर योर कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी ऑप्शन ठीक है अब मैं आगे बढ़ता हूं पेपर टू के अंदर जो कि मेजरली थ्योरी ओरिएंटेड क्वेश्चन जिसमें से आते हैं या पूरा का पूरा कंप्लीटली थ्योरी है उसके अंदर न्यूमेरिकल नहीं आएगा ठीक है तो अगर आपका थ्योरी स्ट्रॉन्ग है तो आप ये सब्जेक्ट पहले कवर कर सकते हैं ठीक है पेपर टू नाउ द फर्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी इसमें क्या पूछा जाएगा नेचर एंड कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट टेक्नोलॉजिकल बेसिकली पेस्टल एनालिसिस हो गया पूरा गोल्स हो गए प्राइमरी गोल क्या है सेकेंडरी गोल क्या है मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव क्या है दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी जिसके अंदर क्लासिकल मॉडल न्यू क्लासिकल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच की इंपॉर्टेंट थ्योरीज जो है वो आपको कवर करनी है हंड्रेड परसेंट उसमें से क्वेश्चन आता ही आता है तो उस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लीजिएगा आगे मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो मैंने बता दिया ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन ठीक है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर तो बेसिकली जो आपने अपने बिजनेस स्टडीज के टॉपिक के अंदर पढ़ा होगा जहां पे अगर आपको याद आ रहा हो थोड़ा सा भी कॉमर्स का जहां पे प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग इससे रिलेटेड जो टॉपिक्स थे वो बेसिकली आपके और नेशनल थ्योरी के अंदर कवर होते हैं थोड़े से और डिटेल वे में कवर होते हैं बट अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से ही हैं ठीक है ट्वेल्थ में आपने कॉमर्स ले रखी थी अंडर ग्रेजुएट लेवल पे आपके पास कॉमर्स की डिग्री है तो आपके बेसिक्स यहाँ पे क्लियर है आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आके डिविजन करना है ठीक है ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन हो गया ठीक है सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन हो गया स्टैंडर्डाइजेशन हो गया फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो गई बेसिकली स्ट्रक्चर्स के बारे में बात हो रही है ठीक है और नेशनल स्ट्रक्चर के अलग अलग एलिमेंट्स हो गए स्टाफ फंक्शन स्पेशलाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन टाइप्स आएंगी तो जितने भी क्रिएट होंगे उनके फीचर्स क्या हैं हाउ आर दे रेलिवेंट क्योंकि यूपीएससी में बिल्कुल अंडर ग्रेजुएट लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते कि डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन वही रहेगा बट उसको घुमा के पूछा जाएगा so well. तो ये आप कवर कर सकते हो नेचर एंड बेसिस ऑफ पावर सोर्स ऑफ पावर स्ट्रक्चर एंड पॉलिटिक्स इंपैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑन ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन एंड स्ट्रक्चर तो बेसिकली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या रोल है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के ऊपर ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको कवर करना है ठीक है आगे चलते हैं लेट्स मूव फॉरवर्ड ठीक है तो बेसिकली पहला सब्जेक्ट हमारा कवर हो गया आपको याद दिला दूं कि ये 100 मार्क्स का वेटेज है ऑर्गनेशनल थ्योरी का 100 मार्क्स का वेटेज है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का

तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको बहुत कॉम्प्रेहेंसिवली कवर करने हैं बिकॉज आपको ध्यान रखना है कि डिस्क्रिप्टिव पेपर है तो आपको लिखने के लिए कॉन्टेंट चाहिए होगा और आपको एग्जाम्पल्स भी चाहिए होंगे ठीक है सिलेबस कंपेरेटिवली और नेशनल थ्योरी से कम है बट वेटेज जो है वो हंड्रेड मार्क्स का है सो तो यहां पे आप अच्छा खासा लीवरेज ले सकते हैं अगर आपका थ्योरी स्ट्रॉग पोर्शन में आता है ठीक है सो so ये आपका सेकंड सब्जेक्ट हो गया पेपर टू कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी के अंदर ठीक है आगे चलते हैं लेक्ट मूव टू द थर्ड सब्जेक्ट विच इज

एंड वो पूरा का पूरा आपको कवर करना है काफी डिटेल में ठीक है आगे क्या होगा परफॉर्मेंस अप्रेजर जिसके अंदर काफी सारे मेथड्स आ जाएंगे ठीक थ्री सिक्सटी डिग्री हो गया ठीक है बिहेवियरली रेटिंग रेटिंग स्केल स्केल हो 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 गया हो गया गया ग्राफिक क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड ये सब टर्म्स आपने सुने हुए ठीक है सैलरी एंड वेज एडमिनिस्ट्रेशन जॉब इवेल्युएशन इंप्लॉय वेलफेयर प्रमोशन ट्रांसफर एंड सेपरेशन ठीक है बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है बट सम हाउस का वेटेज काफी ज्यादा है तो प्लीज इसको डिटेल में कवर कर लीजिएगा डेढ़ सौ मार्क्स का अप्रोक्सिमेट

Of trade union, of on trade union. इस तरीके के क्वेश्चन काफी ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन बना के यूपीएससी के पूछने की आदत है आपको पता है पास्टर पेपर किया होगा नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा नेचर ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट कॉजे ऑफ डिस्प्यूट प्रिवेंशन एंड सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट बेसिकली सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट एंड डिस्प्यूट का चैप्टर है ये ठीक है नेक्स्ट चैप्टर इज वर्क पार्टिसनेजमेंट जहां पे अलग अलग लेवल्स आते हैं वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट के वो आपको पढ़ने पड़ेंगे ठीक है उसका प्रेजेंट डे स्टेटस क्या है आज क्या रेलेवेंस है उसकी क्या कुछ इंप्रूवमेंट हुई है वर्कर्स लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन के अंदर तो बेसिकली एक ट्रेंड रिलेटेड क्वेश्चन भी यहां पे आपसे पूछा जा सकता है Centism, in India, Causes, तो कुल मिला के अगर मैं आपको बोलूं तो जो पूरा का पूरा सिलेबस है वो इंडस्ट्रियल रिलेशन का, का काफी कॉम्प्रेहेंसिवली क्रिएट किया गया है मैंने आपको बताया था कि इंडस्ट्रियल रिलेशन का जो वेटेज है जब बहुत ज्यादा नहीं है पचास है मार्क्स का और अगर रिलेटिवली मैं देखने की कोशिश करूं तो उसका सिलेबस बहुत ज्यादा नहीं है पचास मार्क्स के हिसाब से ठीक है तो आप अपनी कॉल ले सकते हैं और अपने हिसाब से तैयारी कर सकते हैं ठीक है सो दैट वॉज अ ब्रॉड सिलेबस एंड कॉम्प्रसिव सिलेबस ऑफ यूपीएससी आई एम एम एस कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी ऑप्शन मुझे लगता है कि सिलेबस को देख के आप थोड़ा सा डर गए होंगे ट अगर आप प्रॉपरली सिस्टमैटिकली स्ट्रैटेजी बना के तैयारी करना शुरू करेंगे और क्योंकि यहां पे एडवांटेज ये है कि आप सब लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से किसी ना किसी तरीके से लिंक्ड हैं तो आपको मेजरली ये फोकस करना है कि जो आपका स्ट्रेंथ है जो भी सब्जेक्ट्स आपकी स्ट्रेंथ है उसको पहले उठा के कवर अप कर लीजिए ठीक है एंड देन यू कैन फोकस ऑन द अदर सब्जेक्ट्स ठीक है कोर्स इज रनिंग राइट नाउ ठीक है आप जाके अनुजिंदल डॉट इन वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं या फिर आप ऑन द नंबर नाइन 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 फोर डबल सिक्स टू टू फाइव इस पर भी कॉल करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं इसके बाद भी कोई दिमाग में आपके सवाल आ रहा है कोई क्वेरी आ रही है तो आप उसको कॉमेंट सेक्शन में भी कॉमेंट कर सकते हैं ठीक है टिल देन कीप प्रिपेयरिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट